आवाज सबका देख लेते हैं फ्रेश है कि नहीं। दाहिने वाले बोलेंगे पहले दाहिने वाले भारत माता की। अब इससे बड़े बाहिने वाले बाएं वाले बोलते हैं भारत माता की। अभी से तो आगे जाना ही है ना। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबा होम्योपैथी ही एकमेव औषध प्रणाली आहे जिसे कोणतेही साइड इफेक्ट्स तुम्हाला जाणवणार नाही। लंबा होम्योपैथी आरोग्य संजीवनी। सन्माननीय नड्डा जी मंच पर थांबा, जरा कॅमेराने त्यांचं काम करू द्या, चिंता नाही। मंच पर उपस्थित हमारे सबके नेता सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे प्रभारी सीटी रवि जी, हमारे सह संगठन मंत्री शिवकुमार जी, मंच पर उपस्थित हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंच पर उपस्थित संजय उपाध्याय, अमित साटम, भारती लवेकर, विद्या ठाकुर जी, हमारे सांसद मनोज कोटक जी, और जिनके प्रांगण में हम बैठे ऐसे हमारे अमरीश भाई पटेल और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रगुजार करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। नड्डा जी, आज ये सम्मेलन सभी 52 आघाड़ियों के सिर्फ जिला तक के पदाधिकारियों का है, इसके नीचे और मंडल के पदाधिकारी है, उसके नीचे साथी हमारे वार्ड के पदाधिकारी है, और अगर हम सभी आघाड़ी और मोर्चा के प्रभारी और कार्यकर्ता या पदाधिकारियों का सम्मेलन लेते तो शायद हमको बड़ा मैदान भी कम पड़ता, इतनी ताकत अपने आप में है। और जैसे अमित साटम जी ने कहा, ये एक मिनी इंडिया है, ये मिनी इंडिया की तरह की हर एक प्रदेश, माननीय मोदी जी ने हमको नारा दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नारे को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं। 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस सुद्धा गुजरात मध्ये साजरा होतो, आणि 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस गुवाहाटी मध्ये आसाम मध्ये पण साजरा होतो, और उसी श्रृंखला में बिहार स्थापना दिवस हो या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हो, ये भी मुंबई में हम बहुत प्रामाणिकता से उसको मनाते भी है, उसका आनंद भी लेते। भारतीय जनता पार्टी ये सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई भाषा, कोई प्रदेश, कोई विभाग यह अछूता ना था ना होगा। हम तो सबको साथ में लेकर इस भारत के विकास की यात्रा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहे हैं। मैं अगर मेरी बात मुंबई तक की करूं तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, अगर अक्टूबर में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होते हैं ऐसा हम माने तो आज हम मई में हैं, 4 महीना यानी 120 दिन अपने हाथ। उन 120 दिनों में जो बात अपने हाथ से आते आते निकल गई
वो गत चुनाव में हम 82 तक रुक गए। अब हमको माननीय अमित भाई ने जब बैठक ली थी तब हम सबने मिलकर ये आंकड़ा तय किया था, कुछ भी करेंगे लेकिन एकनाथ जी के शिवसेना और आरपीआई और एनडीए को साथ लेकर हम 151 का आंकड़ा पार करेंगे ही। और उस 151 के आंकड़े को पार करना ही अपना विजय है। और ये विजय केवल भारतीय जनता पार्टी को अहंकार दिखाना है इसके लिए नहीं। मैं आज उस बात पे नहीं जाऊंगा कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार दुर्व्यवहार गए 25 सालों में उद्धव जी की शिवसेना ने मुंबई के साथ किया, हम सब उससे अवगत है। लेकिन हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल से मानने चाहने वाले लोग हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी कोई युद्ध पर जाते थे तो उनकी पूरी व्यूह रचना योजना नियोजन उस युद्ध को जीतने के लिए अपने शूर सरदार उन शूर सरदार मावलों के ऊपर वो तय करते थे, उनकी जान पर तय करते थे। और एक एक सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने अपने क्षेत्र में बखूबी स्पेशल सफलता लाने की क्षमता रखने वाले थे। फिर तानाजी हो, फिर बहिर जी हो, हर किसी में अपनी एक स्पेशलिटी थी, विशेषता थी। और उस विशेषता का उपयोग करते करते छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को राज्य को परास्त किया, हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सभी 52 आघाड़िया ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जैसे शूर सरदार थे, वैसे ये एक एक आघाड़ी हमारे लिए आप सब शूर सरदार हैं। आप सबका एक विशेष दायित्व है, दायरा है, आप सब में एक विशेष काम करने की क्षमता मर्यादा और विशेषता भी है। कोई कुरी आघाड़ी है, कोई कोकण आघाड़ी है, कोई राजस्थानी आघाड़ी, कोई बिहारी आघाड़ी है, कोई झारखंड आघाड़ी है, कोई युवा मोर्चा है, कोई महिला मोर्चा है, कोई अनुसूचित मोर्चा है। अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व यानी आप शूर सरदार हो। और उस नियोजन के आधार पर हमें फिर से मुंबई महानगर पालिका में मुंबई वासियों को सेवा करने का राज, ये सेवा का राज निर्माण करना है। और इसके लिए मेरी बड़ी बात लंबी न करते हुए, जो विश्वास जो दायित्व आपके ऊपर है वो अपने अपने क्षेत्र में बड़ी योजना के साथ। और मैं अगर ये कहूं तो मनोज कोटक जी यहां पर है, उस बैठक में आप भी थे, संजय उपाध्याय भी थे, माननीय अमित भाई ने, अमित साटम जी आपको पता है, हम सबको कहा है कि मराठी तर आपल्या बरोबर आहेतच, कारण मराठी साठी काम करणारे आपणच आहोत, पण अन्य पक्षातील एकही अमराठी कार्यकर्ता सुद्धा बाहेर सोडायचा नाही आहे। सबका साथ सबका विकास लेकर ये 120 दिन मैं आपसे मांगता हूं। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में नड्डा जी को यहां पर शब्द देने का आत्मविश्वास लेता हूं। 120 दिन आप काम करिए, 5 साल देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई को चमकाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और ये काम करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाए, इतना ही आपसे नम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24 तास।